विजयदशमी पर मंगलवार को पुलिस विभाग में भी शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई गई। डीआरपी लाइन परिसर में सुबह कलेक्टर कर्मवीर सिंह और एसपी धर्मवीर सिंह ने पूरे विधि विधान के साथ शस्त्रों और पुलिस के वाहनों का पूजन किया। गायत्री परिवार के परिव्राजक सौरभ मौर्य ने मंत्रोच्चार किया। सहस्त्र पूजन एवं हवन समाप्ति के बाद आला अधिकारियों ने हर्ष फायर भी किया। उल्लेखनीय है कि साल भर में दशहरा ही एक ऐसा वक्त होता है जब हथियारों का परीक्षण हो पाता है, यानी मालूम होता है कि जरूरत पड़ने पर हथियार चल पाते हैं या नहीं। हर्ष फायर के दौरान महिला अधिकारियों ने भी हथियारों पर अपने हाथ आजमाए। बंदूक से लेकर पिस्टल एवं आधुनिक हथियारों का हवाई फायर कर परीक्षण किया गया। कलेक्टर ने दशहरा पर्व की बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, लोगों से अपील है कि वे इसका पालन करें और शत प्रतिशत मतदान करें। एसपी ने कहा, विजयादशमी पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। जिले में अमन चैन शांति बनी रहे, इन्हीं कामना के साथ पूजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पावन पर्व है। इस अवसर पे सभी अपने खरगोन जिले के वासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयदशमी हमको याद दिलाता है बुराई पे अच्छाई का विजय का। अभी खरगोन जिले में इलेक्शंस होने हैं, हमारे कलेक्टर साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी जिलेवासियों से यही हमारा आग्रह है कि अपने ज़िले में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए हम और हमारी टीम दृढ़ संकल्पित है। सभी से यही आग्रह है कि आगामी समय में जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के निर्देशों का पालन करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, लेकिन पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। जिले में हमारी पूरी तैयारियां हैं, इस प्रकार के कोई भी एलिमेंट होंगे जो चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करेंगे, उनके अगेंस्ट जो भी विधिक प्रावधान है उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज का अवसर हमें पुनः एक बार याद दिलाता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सक्रिय नहीं हो पाएंगी, सकारात्मक शक्तियों की विजय होगी, यही हमारा संकल्प है। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से समस्त खरगोन वासियों और प्रदेश वासियों को विजयादशमी की शुभकामना देता हूं। आज परंपरा अनुसार डीआरपी में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया था। सभी पुलिस के हमारे साथीगण, एसपी साहब, हम लोगों ने मिलकर शस्त्र पूजन किया है। शस्त्र की पूजा जो है वो बेसिकली सत्कार्य के लिए और शांति व्यवस्था स्थापित करने के हेतु की जाती है। और निकट भविष्य में अभी निर्वाचन कार्य संपन्न होने जा रहा है, तो ये शांतिपूर्ण निर्वाचन हो और ज़िले में सुख शांति समृद्धि और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आज पूजन अर्चन किया गया है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आज शुभ अवसर पर संकल्प लें कि आचार संहिता लागू है, आचार संहिता का पालन करेंगे तथा मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और जो इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए ये कार्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आज के शुभ अवसर पर पूरे जिलेवासियों से आह्वान है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।